नमस्कार सर, स्वागत है आपका शो में। यस, नमस्कार मैम, एंड वेरी गुड आफ्टरनून हो गया ऑलरेडी। जी, गुड आफ्टरनून सर। सर, लास्ट टाइम आप आए थे, आपने एक चीज बोली थी, फ्राइडे को अगर क्लोजिंग 18,000 से ऊपर होगी, आगे का रास्ता आप कैसे देखें? यस, तो यही यही क्या है ना, एक किक मिलता है अगर फ्राइडे को, जो मैं हमेशा से बोलता था एक क्लोजिंग चाहिए, बस एक क्लोजिंग। देखिए, एक क्लोजिंग दिया ना, उसके बाद से तो मतलब मार्केट में आग ही लगे रखा है अभी। सो बात यही है कि अभी बहुत धीरे धीरे मार्केट चलेगा, इतना ऐसा नहीं कि फटाफट 300 पॉइंट 400 पॉइंट मार्केट ऊपर आएगा, ऐसा नहीं। बिकॉज लास्ट टाइम जब हाई हो रहा था ना मार्केट 2020 में, मुझे आज भी याद है, 11,900 से 12,300 तक ऑलमोस्ट 4 मंथ लगे, 4 मंथ 11,900 से 12,300 परफॉर्म करने में। आज 100 पॉइंट चलता था तो कल 50 पॉइंट नीचे आता था, तो फिर से किसी दिन 50 पॉइंट ऊपर गया तो और 20 पॉइंट नीचे आया, ऐसे ही ऑलमोस्ट 4 मंथ्स कंसोलिडेशन हुआ था। तो अभी का जो निफ्टी ऑलमोस्ट मार्केट ऑलमोस्ट लाइफ टाइम हाई में है, बहुत ही अच्छा बात है। आप पड़ोसी देश देखेंगे, बांग्लादेश वहां पे भी परफॉर्म नहीं हो रहा है मार्केट। सो हमारा इंडिया बहुत ही अभी एक नया ऊंचाई पे अभी सस्टेन हो रहा है। तो मुझे लगता है कि मैम, ये जो अभी सस्टेन हो रहा है मार्केट, ये बरकरार रहेगा तेजी। एंड सेकंड थिंग, मुझे लगता है ना कि ये जो अभी देखिए मार्केट में कुछ ज्यादा ना हड़बड़ी नहीं है, ज्यादा मोमेंटम नहीं है, ऐसा ही होता है। 52 वीक हाई पे आने के बाद ना मार्केट ऐसा ही परफॉर्म करता है, हमेशा से ऐसा ही किया है मैंने, तो मेरे एक्सपीरियंस से मैंने लास्ट टाइम बहुत बार देखा। बिकॉज क्या होता है ना, इस टाइम होता है कि आप कहना, कई बार हम डेटा को अगर पीछे छोड़ के अगर हम साइकोलॉजी लेवल पे बात करेंगे कि जब बुल वो सोचते हैं कि मार्केट ऊपर आएगा, और जो लोग शॉर्ट करता है ना, वो जो लोग ओवर क्वांटिटी के साथ बाई करके रखता है, उन लोगों को लगता है कि यार अगर मैं बाई करूंगा तो बाई चांस अगर नीचे आ गया तो क्या होगा। तो ये जो बुल वर्सेस बियर ना, ये एकदम 50-50 वाला मैटर हो जाता है यहाँ पे। लेकिन मैम, मार्केट में मैं आपको बताना चाहूंगा, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। एंड यहाँ पे जो भी आप स्टॉक बाइंग में रखे हो, आप डेफिनेटली यू कैन होल्ड, एंड डेफिनेटली आपको पेशेंस दिखाना चाहिए। एंड और भी मार्केट ऊपर आएगा, यहाँ से पॉसिबिलिटीज है, जो मैं वेट कर रहा था एक वीकली क्लोजिंग का, ऑलमोस्ट लास्ट 8-9 महीने से मैं बोल रहा था, वो नहीं हो रहा था। एक बार जैसे ही हुआ वैसे ही दिखा, 18,000 के ऊपर सस्टेन हो गया, तो मैं तो बहुत ही खुश हूँ पर्सनली। एंड हमने जो जो भी स्टॉक रिकमेंड किया था, सारे स्टॉक मतलब मैक्सिमम स्टॉक तो चल गया है। सो यही है कि इन्वेस्टर भी बहुत प्रॉफिट में है। बैंक निफ्टी के बाद बोला था, बैंक निफ्टी में भी सेम ऑलमोस्ट 41,400 के आसपास ट्रेडिंग हो रहा था, आज ऑलमोस्ट 42,500 के आसपास ट्रेड हो रहा है, ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट अप है बैंक निफ्टी। सो ये बहुत ही अच्छा बात है, एंड सारे इन्वेस्टर बहुत मुनाफा के साथ ट्रेडिंग कर रहा है, एंड 52 वीक हाई में है। सो आप जैसे इन्वेस्टेड रहते वैसे ही रहिए, और अगर कोई भी स्टॉक में आपको निवेश करना है थोड़ा क्वांटिटी के साथ कीजिए, बिकॉज मार्केट ऑल टाइम हाई में है। सो आपको ये भी ध्यान रखना होगा, अगर यहाँ से 5-10% कभी भी करेक्शन आए, आप वो पैसा डाल सकते हो। ऐसा सोच के साथ आपको इस मार्केट में, मुझे लगता है, मैं तो इस सोच के साथ अभी इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, तो अकॉर्डिंग टू माय व्यू मैं भी यही सोचता हूँ कि इन्वेस्टर को भी ऐसा सोचना चाहिए, ज्यादा हड़बड़ी नहीं, बस विथ ऑल रेस्पेक्ट कीजिए मार्केट को, बाकी तो सब कुछ मैम बढ़िया चल रहा है एकदम।